वेलकम इन, जरूर जाने। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो फोटो मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड में जाऊँगा, एक यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का फोटो है जो कि ग्राउंड में ये झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन इस फोटो को, मतलब इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा जैसे देख सकते हैं पार्क में खड़े हैं। इसी तरीके का मैं उस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके इसमें डालूंगा। यानी यहाँ पे ऐसा लगेगा कि वो ग्राउंड में नहीं, कोई पार्क में है, ऐसा ही कुछ मैं आपको आज वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फोटो बनेगा, ऐसा फोटो बन जाएगा, ये देख सकते हैं। अगर आप अपने फोटो को एडिट करके ऐसे डालेंगे तो आप सोच नहीं सकते कितना कितना लगेगा। अगर आप अपने फोटो को एडिट करके ताजमहल के सामने, इंडिया गेट के सामने डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोटो एडिट कर सकते हैं इसी तरीके से आसानी से। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.remove.bg। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट अ फोटो, सेलेक्ट अ फोटो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप उस फोटो को क्लिक कीजिए जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो को क्लिक कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। फिर हम इसे किसी भी बैकग्राउंड में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले उस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सचिन तेंदुलकर वाले को, और अब देखते हैं बहुत जल्द हमारा फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल फोटो ये वाला था और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अलग बैकग्राउंड डाल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे डालना है। बिल्कुल आसान तरीका, जितना आसान, इससे आसान तरीका आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर देते हैं। ये फोटो हमारा डाउनलोड हो चुका है फोन, यानी पहले हमारा ये फोटो था, अब हमारा ये फोटो हो चुका है, यानी बैकग्राउंड रिमूव करके। अब हम क्या करेंगे, हमें एक ऐप का जरूरत है जिसका नाम है पिक्सा लैब। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है। पिक्सा लैब को अब हम ओपन करेंगे और हम उस बैकग्राउंड को यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे जिस बैकग्राउंड में हमें इस फोटो को अटैच करना है। तो हम यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ये गार्डन का, पहले ये है देख सकते हैं गार्डन का, ये गार्डन का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे मान लीजिए ये वाला साइज करते हैं, यूट्यूब थंबनेल, लेने ये HD में रहेगा, 1280x720, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साइज। अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे इसके साइज के लिए। ये देख सकते हैं फोटो इसके साइज का हो गया। अब हम उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना था। प्लस पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी, और ये सचिन तेंदुलकर जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल हमने वहाँ पे वेबसाइट से जाके रिमूव कर दिया था, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं इस फोटो को हम ऐसे लगा दें या फिर कहीं पे भी लगा दीजिए, क्या मतलब कितना मस्त हो जाएगा। आप इसी तरीके से किसी भी फोटो को, ये तो एक सिंपल सा मैंने लिया था, आप कोई और अपना फोटो अगर आप चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल फोटो खींचा हुआ है, उसे अगर ताजमहल के सामने या फिर कुतुब मीनार के सामने, इंडिया गेट के सामने लगाएंगे तो इतना मस्त लगेगा पूछिए मत। जैसे मान लीजिए ये हमने लगा दिया, ये तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही लगाया, आप इसे अच्छे से लगाइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव इन इमेज पे क्लिक कर दीजिए और आपका सेव इन, सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं हमारा फोटो बिल्कुल रियल की तरह ऐसा लग रहा है कि हमने यहीं पे खिंचवाया था बिल्कुल। ये तो मैंने एक रेंडम सा ऐसे ही कोई पिक्चर ले लिया, आप अपना पिक्चर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में